हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल वीडियो स्टेशन। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेते हैं जिसका नाम है निसान फेल्स। निसान कंपनी फेल क्यों हुई, कैसे हुई, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहला रीज़न है निसान का फेल होने का, उसकी टेक्नोलॉजी। निसान की कार्स 4 लाख से 7 लाख, 10 लाख, और अभी जो किक्स आई है उसका टॉप एंड मॉडल 16 लाख से भी ऊपर का है, लेकिन उस लेवल की क्वालिटी उन गाड़ियों में नहीं है जितने वो पैसे मांग रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम किसी i20 को ही देख लो, जो निसान माइक्रा के कंपैरिजन में है, i10, i20, निसान माइक्रा के कंपैरिजन में ले सकते हैं उनको, उनमें इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है जिसमें वो निसान माइक्रा के जितने ही लेवल के हैं। पर निसान माइक्रा में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, जो i20 में आपको मिलता है। i10 में भी आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग सेंसर, जिसमें वो माइक्रा से सस्ती आती है। और अगर हम दूसरी बात करें तो जैसे निसान माइक्रा की कार की क्वालिटी, नो डाउट निसान माइक्रा के इंजन, माइक्रा भी नहीं, हम किसी भी गाड़ी को ले लें, सबके इंजन की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि क्या बात बताएं। लेकिन निसान की गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी है। अगर उसे हम मेंटेन ना करें ना, तो गाड़ी गई समझो। और जो इश्यूज आ रहे हैं निसान के जो कस्टमर्स हैं निसान से, वो आ रही उनकी सर्विसिंग की और उनकी मेंटेनेंस की, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ही भारी पड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो निसान किक्स जो आई है बहुत ही अच्छी गाड़ी है, लेकिन फेल उसके होने का ये रीज़न है कि वो गाड़ी हद से ज़्यादा महंगी है। हुंडई क्रेटा में आपको इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग, जो आपको निसान किक्स में नहीं मिलेगा। पर निसान किक्स कुछ मामलों में क्रेटा से बढ़िया है, जैसे बूट में क्रेटा के लगभग बराबर ही है। और निसान किक्स की अगर देखा जाए, बात करी जाए, तो बुरी गाड़ी नहीं है। और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं निसान किक्स के ऊपर, लेकिन वो गाड़ी फेल हो चुकी है क्योंकि उसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, क्रेटा के बराबर है। और क्रेटा जिस लेवल की गाड़ी है, वो निसान किक्स उस लेवल की गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि निसान की गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं अभी आपको बोलूँगा नहीं लेनी चाहिए कोई भी निसान की गाड़ी, क्योंकि निसान किसी भी वक्त इंडिया से जा सकता है। उसकी गाड़ियों की सेल्स लगातार गिरती जा रही है, माइक्रा सनी पिट चुकी हैं, टेरानो डिसकंटिन्यू हो गई, निसान किक्स है जो पिटने की कगार पे है, अगर उसके प्राइस में कोई फेरबदल नहीं किया गया। और अगर देखा जाए तो आप इनकी जगह ले सकते हैं टाटा की हैरियर आई हुई है, बहुत अच्छी गाड़ी है वो। हेक्टर है MG की, वो भी अच्छी गाड़ी है, और आपको 12 लाख रुपए की रेंज में, 12, 14, 13 लाख रुपए की रेंज में आपको जब इतनी अच्छी गाड़ी मिलती है, तो आप किक्स की तरफ क्यों जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है इन गाड़ियों का। तो अपडेट रहे, अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए ऑल वीडियो स्टेशन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ कार कंपनीज। थैंक यू। निसान किक्स क्या था रे, निसान किक्स का यार एक तो ये गार पसीना इसी चल रहा है, फिर पसीना नहीं है।